Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. So students, आज हम start करने जा रहे हैं class number 14. और आज की class में हम discuss करेंगे have to modal verb को. It's really important, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका. लेकिन class शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे channel को subscribe नहीं किया तो please सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए. और अगर आपको छोटा मोटा कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई मसला हो रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं. तो चलें स्टूडेंट्स, बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हैव टू मॉडल वर्ब की. So, have to modal verb is used to express necessity in the present. To express bayan karne ke liye necessity, zarurat ko in the present, maujooda waqt mein. Yani ki have to modal verb ka jo istemal kiya jata hai, wo maujooda waqt mein kisi ki zarurat ko bayan karne ke liye kiya jata hai. Ab zarurat kaise? Jaise ki pehle to Urdu mein iski pehchan dekh lete hain, fir main mazid detail mein jata hu ki Urdu jumlon ke aakhir mein ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वगैरह आता है. जैसे कि देखिए, मैं कहता हूं कि जी मैंने कॉलेज जाना है या मुझे कॉलेज जाना है या मुझे कॉलेज जाना पड़ता है. अब इन दोनों सूरतों में ये चीज मेरी जरूरत को बयान कर रही है. ठीक है, जैसे कि देखें कि अब मैंने अगर कॉलेज जाना है तो सुबह सुबह डेफिनेटली ये मेरी जरूरत है. तो मैं सुबह सुबह उठ के अपनी नींद को खराब करके नहा धो के तैयार होके तो मैं इतना फासले पे, मतलब जहां पर भी मेरा कॉलेज है मैं वहां पर जाऊंगा या जो भी काम मुझे करना है तो वो डेफिनेटली मेरी जरूरत है. तो जरूरत को बयान करने के लिए हमने हैव टू को यूज करना है. उर्दू जुमलों के आखिर में ना है, नी है, ने है भी आ सकता है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं भी आ सकता है. ठीक है, दोनों सूरतों में हम मॉडल वर्ब एक ही यूज करेंगे, हैव टू. ठीक है, अब यहां पर ये चीज याद रखिएगा कि जब भी, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जाना है कि सेंस में हम इसको ले रहे हैं या पढ़ता है कि सेंस में ले रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि जब भी हम इसको पढ़ता है कि सेंस में लेके आएंगे तो हम उसमें मजबूरी को शो कर रहे होंगे. हमारे फेस एक्सप्रेशन जो है वो उकताहट वाले होंगे, हमारा अंदाज बताएगा. ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं मैंने कॉलेज जाना है, एक मेरा ये अंदाज है मुझे कॉलेज जाना पड़ता है यार. अब यहां पर देखें इसका एक्सेंट थोड़ा, लहजा जो है वो बदल गया. ठीक है, तो इसका जो है वो इन दोनों चीजों को, ना है और पढ़ता है को अलग करने वाली जस्ट हमारा एक्सेंट स्टाइल है या हमारा जो फेस एक्सप्रेशन हमारे होते हैं, सिर्फ वो चीज बता सकेगी कि हम इसको जाना है के सेंस में लेंगे या जाना पड़ता है के सेंस में लेंगे. ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि जो हैव टू मॉडल वर्ब है वो सब सब्जेक्ट्स के साथ यूज नहीं होगा. ठीक है, हैव टू मॉडल वर्ब का हम यूज कर सकते हैं यूज ओनली विथ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन. अब आई, वी, यू, दे तो आपको समझ आ गया होगा कि आई, वी, यू, दे क्या है, लेकिन प्लूरल नाउन क्या है? प्लूरल कहते हैं जमा को, नाउन कहते हैं नामों को. यानी कि दो या दो से ज्यादा जब नाम आएंगे तो तब भी हम हैव टू मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. यहां पर अगर सिंगल नेम आ जाता है, कोई एक नाम आ जाता है, अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं साजिद और आमिर ने क्रिकेट खेलना है. अब साजिद और आमिर दो नाम आ गए तो अब यहां पर तो हम हैव टू को यूज करेंगे. लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि साजिद ने कॉलेज जाना है तो अब साजिद चूंकि एक ही नाम आया है, दूसरा नाम इसके साथ शामिल नहीं है, तो वहां पे अब मैं हैव टू मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा. सो स्टूडेंट्स, आई होप सो यहां तक बात क्लियर होगी होगी आपको. तो यहां पर हम सब्जेक्ट्स कौन से लगा सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हैव टू के साथ यूज होगा? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन. तो चलें स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हैव टू मॉडल वर्ब आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट ऑफ अदर वर्ब. तो चले कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं कि मैंने कॉलेज जाना है या मुझे कॉलेज जाना पड़ता है. अब इन दोनों सेंटेंसेस की जो इंग्लिश बनेगी वो इंग्लिश सेम ही होगी, सिर्फ बोलने के अंदाज में चेंज आएगा. ठीक है, सो मैंने कॉलेज जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई. देन हैव टू, I,
हैव टू। वर्ब क्या है यहां पे? जाना, गो। आई हैव टू गो। कहां जाने की बात हो रही है? कॉलेज, टू कॉलेज। आई हैव टू गो टू कॉलेज, मैंने कॉलेज जाना है। अब मैंने कॉलेज जाना है या मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, दोनों सूरतों में इंग्लिश इसकी यही रहेगी। हमने सुबह जल्दी उठना है या हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सो सब्जेक्ट कौन है? हम, वी। देन हैव टू। देन वर्ब क्या है यहां पे? वर्ब है जल्द उठना, गेट अप। वी हैव टू गेट अप। कब उठना पड़ता है? सुबह जल्दी, अर्ली, सॉरी, इन द मॉर्निंग। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, या हमने सुबह जल्दी उठना है। ओके, आपने रोज क्लास लेनी है या आपको रोज क्लास लेनी पड़ती है, सब्जेक्ट कौन है यहां पे? आप, यू। देन हैव टू, यू हैव टू। क्लास लेना, टेक क्लास। यू हैव टू टेक क्लास रोजाना, डेली। यू हैव टू टेक क्लास डेली, आपने रोजाना क्लास लेनी है या आपको रोजाना क्लास लेनी पड़ती है। उन्होंने इंग्लिश सीखनी है या उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है, सर सब्जेक्ट कौन है? उन्होंने, यानी कि वो ज्यादा है, दे। देन हैव टू, दे हैव टू। वर्ब क्या है यहां पे? सीखना, लर्न। दे हैव टू लर्न। क्या सीखने की बात हो रही है? इंग्लिश। दे हैव टू लर्न इंग्लिश, सो उन्होंने इंग्लिश सीखनी है या उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से बेशुमार सेंटेंसेस बनेंगे जहां पर हैव टू मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां पर एक बात आपने याद रखनी है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या सिंगल नेम में से आएगा तो वहां पर हम हैव टू का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आई होप सो पॉजिटिव सेंटेंसेस की आपको समझ आ गई होगी। तो चले नेक्स्ट बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने सिंपली इतना करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डू नॉट, और इसको शॉर्टकट में अगर यूज करेंगे तो डोंट, देन हैव टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी कि यहां पर जो हमने चेंज किया, चेंज तो नहीं किया लेकिन हमने जो एक वर्ड इंक्रीज किया वो सिर्फ डू नॉट है और इसका शॉर्टकट है डोंट। सो स्पीकिंग में अगर आप डोंट भी यूज करना चाहें सो इट्स डिपेंड ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो देखते हैं, हमने हर महीने फीस अदा नहीं करनी है या हमें हर महीने फीस अदा नहीं करनी पड़ती है, दोनों सूरतों में सेंटेंस एक ही रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हम, वी, देन डोंट। लेकिन आप इसको राइटिंग में अगर लिखेंगे तो डू नॉट पूरा ही लिखिएगा, डोंट बोलने में आप शॉर्टकट्स बोलने में ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है? वी डू नॉट, देन हैव टू, we do not have to, then verb क्या है? verb है यहां पे अदा करना, अदा करना, pay। we do not have to pay, क्या अदा करने की बात हो रही है? fee। we do not have to pay fee, हमने fee अदा नहीं करनी है या fees अदा नहीं करनी है हर महीने, every month। So we do not have to pay fee every month, हमने हर महीने फीस अदा नहीं करनी है या हमें हर महीने फीस अदा नहीं करनी पड़ती है। उन्होंने कपड़े नहीं धोने हैं या उन्हें कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, सो सब्जेक्ट कौन है यहां पे? उन्होंने, यानी कि वो ज्यादा है, दे। देन डू नॉट, दे डू नॉट। देन हैव टू,
दे डू नॉट हैव टू। काम कौन सा है, वर्ब क्या है यहां पे, धोना, वॉश। दे डू नॉट हैव टू वॉश, क्या धोने की बात हो रही है, कपड़े, द क्लॉथ्स। दे डू नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। They do not have to wash the clothes. या they don't have to wash the clothes. मैंने गाड़ी नहीं खरीदनी है या मुझे गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ती है। So subject कौन है यहां पे, I. I. Then have to. I do not have to. Verb क्या है यहां पे, खरीदना, buy. I do not have to buy. क्या खरीदने की बात हो रही है, गाड़ी, the car. I do not have to buy the car. मैंने गाड़ी नहीं खरीदनी है या मुझे गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ती है। So students, ये हमारे negatives हैं। बस simple ये है कि जो हमारे positive sentences हैं, sir, after subject just put do not. Subject के बाद just do not लगा दें, वो negative बन जाएंगे। So अब बात करते हैं, ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। सो आई होप सो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ गई होगी, बिकॉज इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो अब हम बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो स्टूडेंट्स, जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस को देखा है, उन्हें इस चीज का आइडिया हो गया होगा कि जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि वहां पर मैंने एक छोटा सा रूल आपको बताया था कि जब आप किसी चीज का नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में ये चीज देख लें कि किस लफ्ज के बाद आपने नॉट यूज किया था नेगेटिव में। तो यहां पर हमने नॉट यूज किया था डू के बाद, तो इसका मतलब है यही डू उठा के मैं यहां पर लगा दूंगा और नॉट को खत्म कर दूंगा, तो ये हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगी। तो चले आए देखते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। सो स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले डू का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, then have to, then first form of the verb, then object or other word, and at the end there is a question mark. अब हमारे पास पहला sentence है या पहली interrogative statement है, क्या आपने test देना है या क्या आपको test देना पड़ता है। So first of all do, then subject आप, you, then have to, do you have to। काम क्या है, वर्ब क्या है यहां पे, देना, गिव। डू यू हैव टू गिव, क्या देने की बात हो रही है, टेस्ट। डू यू हैव टू गिव टेस्ट, क्या आपको टेस्ट देना है या क्या आपको टेस्ट देना पड़ता है। क्या हमने डॉक्टर से मिलना है या क्या हमें डॉक्टर से मिलना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू, देन सब्जेक्ट क्या है, वी, देन have to, do we have to, verb क्या है यहां पे, मिलना, meet, do we have to meet, किससे मिलने की बात हो रही है, डॉक्टर से, do we have to meet the doctor, do we have to meet the doctor, क्या हमें डॉक्टर से मिलना है। इसी तरह से हमारी जो लास्ट स्टेटमेंट है या जो हमारा लास्ट सेंटेंस है वो है, उन्होंने क्यों घर बेचना है या उन्हें क्यों घर बेचना पड़ता है। अब देखिए, ये हमारी ये जो सेंटेंस है ये WH इंट्रोगेटिव है। तो WH इंट्रोगेटिव का मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में आप WH वर्ड लगा दें या फिर क्वेश्चन वर्ड लगा दें तो वो WH इंट्रोगेटिव बन जाएगी। तो यहां पर क्यों WH वर्ड है, तो क्योंकि इंग्लिश है वाई, तो सबसे पहले मुझे वाई लगाना पड़ेगा, वाई, देन डू, सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, यानी कि वो ज्यादा है, दे, वाई डू दे, देन हैव टू, देन वर्ब क्या है, काम क्या है यहां पे, बेचना, सेल, वाई डू दे हैव टू सेल, क्या बेचने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे, घर, देयर हाउस, व्हाई डू दे हैव टू सेल देयर हाउस, कि उन्होंने अपना घर क्यों बेचना है या उन्हें अपना घर क्यों बेचना पड़ता है।
सो स्टूडेंट्स इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बनेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। और अगर आप WH इंट्रोगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो इस सेंटेंस की तरह सिंपल ये जो सेंटेंस है इसी के शुरू में आप WH वर्ड लगा दीजिएगा और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आज की क्लास को आपने इंजॉय किया होगा और आप जरूर इससे कुछ सीखेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में यार जाके कमेंट्स कीजिए, और आप लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो यार, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम हैज टू की बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।